नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हमारी भाव सीरीज के अलावा हमने दो ग्रह युति सीरीज भी जारी की, जिसमें मंगल शुक्र की युति का परिणाम आप देख चुके हैं और मंगल शनि का मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज इसकी तीसरे पोस्ट में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि मंगल शनि की युति क्या क्या प्रभाव जातक विशेष को दे सकती है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने इससे पहली पोस्ट में यह बताया था कि यह युति आत्महत्या करवाती है या आत्महत्या के लिए बाध्य कर देती है, परंतु ऐसा सभी केसों में नहीं होगा। कुछ लोगों ने हमसे इस बारे में राय मांगी है, तो मैं बता दूं, ये एक युति का हमने परिणाम पाया है, परंतु सबकी कुंडली में यह युति हो और सब आत्महत्या करेंगे ऐसा कदापि भी नहीं है। अन्य और मीजर्स भी देखे जाएंगे। तो आज आगे की बात करते हैं। यहां आपको बता दूं कि यह युति जो बेसिकली जो मंगल और शनि की युति जो हमने बताया था कि किस किस तरह से और किस किस तरह का इफेक्ट देती है, इसके लिए आप हमारी पहली और दूसरी सीरीज देखिएगा। ये तीसरा आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये जो संबंध बेसिकली होता है, ये हिंसात्मक रूप से हत्या या दुर्घटना के द्वारा मृत्यु प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस पे बात करेंगे कि मंगल शनि की युति जब बनेगी तो यह हिंसात्मक रूप से हत्या करवाती है या जातक विशेष को दुर्घटना के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है या मृत्यु उसकी होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन किया गया है, जिसमें से सबसे पहले हम ईसा मसीह की कुंडली को अगर हम देखें तो उसमें ऐसा एक योग पाया जाता है, परंतु वही बात आ जाएगी कि उस कुंडली को हम कितना ऑथेंटिकली सही माने या गलत माने, तो कुछ पाठक उस पर तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण के रूप में हम उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुसोलिनी एक जो रहे हैं, 29 जुलाई 1883 वृश्चिक लगन की पत्रिका में शनि मंगल की सप्तम भाव में युति है और इनके प्रभाव लगन पे उसकी दृष्टि पड़ी है। इनका कार्य व व्यक्तित्व काफी विवादास्पद रहा है और इनकी 28 अप्रैल 1945 को हिंसात्मक रूप से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि मुसोलिनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनके अतिरिक्त अगर आगे चले तो जॉन कैनेडी, जिनका 29/5/1917 कन्या लगन है, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 तुला लगन, राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 सिंह लगन, मैरी एंटोनिटो फ्रांसीसी रानी रही हैं 2 नवंबर 1755 मिथुन लगन, नाथूराम गौडसे 19/5/1910 मिथुन लगन, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ओसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 वृषभ लगन, प्रथम भाव में इनकी युति बनी। बेनजीर भुट्टो 21/6/1953 धनु लगन, दसम भाव में ये युति है। इसके अतिरिक्त और भी देखें तो अब्राहिम लिंकन है 12 फरवरी 1809 कुंभ लगन, जुल्फिकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 मिथुन लगन, मुजिबर उर रहमान ये जो बांग्लादेश के रहे हैं, इनकी पत्रिका में देखें 17 मार्च 1920 वृश्चिक लगन, फुलन देवी 15/9/1959 मकर लगन। इन सभी की पत्रिकाओं में द्वादश भाव पर मंगल शनि की दृष्टि थी, जबकि झांसी की रानी नेपाल नरेश दोनों तुला लगन के थे और दोनों के लगन पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव था, उनके विषय में भी आप जानते हैं। मार्टिन लूथर किंग एक रहे हैं 15/1/1929 मेष लगन की पत्रिका में मंगल की शनि पर दृष्टि और हम सब जानते हैं इनकी भी हत्या कर दी गई थी। वहीं संजय गांधी की अगर हम बात करें तो 14/12/1946 मकर लगन, इनके सप्तम भाव में, माधवराव सिंधिया 9 मार्च 1945 वृश्चिक लगन दसम भाव में, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि होने के कारण ये वायु दुर्घटना में अपनी हिंसात्मक रूप से मृत्यु को प्राप्त हुए। तथा 24/7/1911 को तुला लगन में जन्मे ये एक जातक हैं, इनको भी वाहन दुर्घटना में मृत्यु का सामना करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे और उदाहरण हैं, लेकिन मैंने आपको ये बड़े लोगों की या सेलिब्रिटीज की कुंडलियां इसलिए बताई कि आपको ये देख पाने में या इसको पकड़ पाने में ज्यादा आसानी होगी। ऐसे ही अगर युति को हम देखें तो मंगल शनि का प्रभाव एक ही भाव पर जब पड़ रहा होता है, खासतौर से अष्टम में या लगन में या सप्तम में, तो जातक की मृत्यु जो है वो हिंसात्मक रूप से होती है या दुर्घटना के रूप में वो मृत्यु का वर्णन करता है। तो ये एक और प्रभाव देखने पे आया। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो और भी प्रभाव होंगे, लेकिन यहां मैं स्पष्ट कर दूं, ये हमारे कुछ पाठकों ने भी कहा कि अगर ये कम्बिनेशन होगा तो क्या ये दुर्घटना के अलावा आत्महत्या भी कर सकते हैं, तो यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि ये कम्बिनेशन इन लोगों में पाए गए हैं जिन्होंने आत्महत्या करी या जिनकी हिंसात्मक रूप से मृत्यु हुई है। ऐसा कदापि नहीं है कि जिनकी कुंडली में ये होगा सभी ऐसा करेंगे, लेकिन एक करीब 1100 कुंडलियों का अध्ययन करके हमें ये कुछ पैरामीटर्स मिले जिन्होंने हमें ये बताने का प्रयास किया कि ऐसा व्यक्ति के साथ ऐसा भी हो सकता है। इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको अभी बताए और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको बताई विद लगन, तो आप इन पत्रिकाओं का अध्ययन करें और उसमें देखें कि ये कॉम्बिनेशंस कहां का बन रहे हैं और इनके द्वारा क्या प्रभाव जातक विशेष के जीवन में पड़ा है। जैसा मैं बार बार कहता हूं या मैंने पहले भी बताया कि मंगल शनि की युति जातक विशेष को गुप्त रूप से धन कमाने की प्रबल इच्छा देती है
और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को विवादास्पद या विश्वास पात्र नहीं माना जाता है। तो इस तरह की बातें भी हैं, लेकिन कुछ अन्य प्रभाव भी आएंगे जो मैं आपको अन्य पोस्ट में भी बताने का प्रयास करूंगा। तो आज हमने ये बताने का प्रयास किया कि मंगल शनि की युति जातक विशेष को हिंसात्मक रूप से मृत्यु देती है, या उनकी हत्या होती है, या वो दुर्घटना के द्वारा मारे जाते हैं। आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।